नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। कल बहुत सारे कपल हमें दिखाई दिए बिग बॉस के घर में, जोड़ियां दिखाई दी। इनफैक्ट ईशा ने विवियन को चुना, पहले ही राउंड में वो लोग बाहर हो गए, चाहत ने उन्हें आउट कर दिया, जैसा कि लग ही रहा था। तो बायस तो कहीं ना कहीं सब होते ही हैं अपनी अपनी बारी में, और काफी सारे लोगों ने अच्छा किया। इनफैक्ट रजत ने बहुत अच्छा टास्क किया, और करणवीर चूम की केमिस्ट्री जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने साथ में ट्विनिंग की थी, वाइट आउटफिट पहने थे, और जिस तरीके से हॉस्टल से भागकर चूम से मिलने पहुंच रहे थे करणवीर, जिस तरीके से डंडे खा रहे थे चाहत के, और बार बार चूम के पास जाकर वो उन्हें गिफ्ट दे रहे थे, वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। करणवीर के हर एक एक्शन से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं चूम से, लेकिन कहने से डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि चूम शायद चाहती नहीं है। चूम ने इनफैक्ट बग्गा को भी बताया था कि बाहर कोई है जो 10 सालों से उनका वेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उनके पास जाना चाहेंगी। और कल के एपिसोड में करणवीर ने ये बात भी चूम से कही थी कि जब तुमने श्रुतिका के भाई के लिए हाँ कर दिया था कि 1 महीने के लिए देखूंगी, तो मुझे बहुत जेलस फील हुआ था। उसके बाद चूम ने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, शायद चूम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दोनों जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे होस्टल वाले टास्क को, और जिस तरीके से दोनों डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे, दोनों कमाल के लग रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की थी, और चूम वीर जो है फिर से ट्रेंड होने लगा है, लेकिन चूम इंटरेस्टेड नहीं है वीर में, तो किया क्या जाए, क्योंकि चूम का बाहर कोई है जो कि इंतजार कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात कभी करणवीर को बताई नहीं है, ना ही शिल्पा को बताई है, तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगी। और श्रुतिका ने भी बात कही थी कि वो भी, जैसे शिल्पा अगर चाहती है कि चूम और करणवीर का रिश्ता हो जाए, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है। क्या वो अपनी बेटी के लिए करणवीर जैसे रिश्ते को पसंद करती, ये बातें कल रात को श्रुतिका ने भी चूम से कही थी। तो चूम भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, और कुछ उन्हें डाउट्स हैं बहुत सारे करणवीर को लेकर।